प्रभु की सामर्थ प्रोग्राम में आज हम आपका स्वागत करते हैं। मैं इस बात में बहुत खुश हूं कि आज मेरी पत्नी मेरे साथ है और इस प्रोग्राम को मेरे साथ रिकॉर्ड कर रही हैं कि हम आपके साथ कुछ देर के लिए उन प्रिंसिपल को बांट सकें जिन प्रिंसिपल्स के द्वारा परमेश्वर ने हमारी मिनिस्ट्री को, हमारे घरों को और बहुत से उन कामों को ब्लेस किया है। एंड आई बिलीव ये प्रिंसिपल जब आज हम आपके साथ परमेश्वर के वचन से आपसे बांटेंगे तो आपको बहुत बरकत मिलेगी। Praise the Lord, everyone. हाँ, ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं पावर ऑफ गॉड के सेट पे हूँ अपने पास्टर एंड अपने हस्बैंड पीटर बेंजामिन के साथ। और आज हम इस प्रोग्राम में आपसे ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हम दोनों की मदद करी कि हम अपनी मिनिस्ट्री को कर सके, मिनिस्ट्री को बना सके, अपने घर को बना सके। एंड आई एम श्योर एज वी शेयर दीज प्रिंसिपल्स यू विल बी ब्लेस्ड। अगर आप मती की पुस्तक निकालें और उसके 25वें अध्याय में जाएं और आप उसकी 14वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक पढ़ें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला है और इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ों के विषय में बात कर रही है। अंग्रेजी में इन्हें टैलेंट्स भी कहते हैं। और जब इन तोड़ों और टैलेंट्स के विषय में वो बात कर रहा था तो बता रहा था कि जो मालिक था, मालिक ने अपने सेवकों को तोड़े दिए, किसी को 5 तोड़ा दिया, किसी को 2 दिए और किसी को 1 दिया और सबको उनकी क्षमता के अनुसार दिया। पर जो महत्वपूर्ण बात है या जिसे कह लीजिए जिसने मेरे ध्यान को आकर्षित किया वो वाली पर्टिकुलर वर्स आपको मिलती है 21वीं और 23वीं आयत में। और ये उन व्यक्तियों के बारे में बात करती है जिनके पास 5 तोड़े थे और 2 तोड़े थे। जिसके पास 5 थे उसने 5 से 5 कमाए और जिसके पास 2 थे उसने 2 से 2 और कमाए। और फिर जब लिखा हुआ है मालिक ने देखा कि भैया मैंने इसको 5 तोड़े दिए थे, इसने 5 से 5 और कमा लिए, 2 दिए थे, 2 से इसने 2 और कमा लिए, तो उसने एक स्टेटमेंट बोला और वो स्टेटमेंट ये था, धन्य है तू विश्वास योग्य दास क्योंकि तू उस थोड़े में वफादार रहा। अंग्रेजी में बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ, well done, my faithful servant. You have been faithful in few things. इसका मतलब ये है कि बहुत नहीं दिया था। ऐसा नहीं था कि उस दास के पास उसके मालिक ने बहुत ढेर सारी चीजें दी थी, पर मालिक इस बात से बहुत खुश था कि जो उसे मिला था उसको उसने इस्तेमाल किया। एंड आई थिंक ये मिनिस्ट्री में, आपके घर में, आपके बिजनेस में की प्रिंसिपल है exactly. कि कई बार आपको परमेश्वर बहुत ढेर सारी चीजें नहीं देगा, थोड़ी सी चीजें देगा, पर आप उन थोड़ी चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका बिजनेस आगे कैसे बनेगा, आपका आपकी आपकी फैमिली लाइफ कैसे होगी या आपका चर्च कैसा होएगा। आई कैन टेल मेनी थिंग्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड जहां पर परमेश्वर ने बहुत से लोगों को बहुत कुछ नहीं दिया। जैसे उस विधवा के पास घर में थोड़ा सा आटा था, कुप्पी में थोड़ा सा ही तेल था। जैसे आप कह सकते हैं दाऊद के पास बहुत कुछ नहीं था, सिर्फ 5 पत्थर ही थे और हाथ में 1 लकड़ी ही थी। तो परमेश्वर ने बहुत सी चीजें नहीं दी, दी बहुत थोड़ी सी चीजें थी, पर डिपेंड ये करता है जब दास को वो चीजें मिली तो या तो वो बहाना बनाए कि देखो मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास तो थोड़ी सी चीजें हैं, या ये कहे कि नहीं मेरे परमेश्वर ने मेरे ऊपर भरोसा रखा है, मैं तो इस योग्य भी नहीं था कि मुझे ये भी मिलता, बट आई थैंक गॉड दैट गॉड हैज गिवन मी दिस, परमेश्वर ने मुझे दिया। और जब उस दास को वो चीजें मिली तो उसने उससे और कमाए, और लिखा हुआ उन तोड़ों से उसने लेन देन किया। दैट मीन्स ही वॉज नॉट सिटिंग विद दोज टैलेंट्स एट होम, घर पे नहीं बैठा रहा, उसे बाहर लेके गया, उसे इस्तेमाल किया। मिनिस्ट्री में भी कई बार परमेश्वर हमको चीजें देता है, पर हमको ये देखना है कि जो हमारे पास हमें परमेश्वर ने दिया हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो थोड़ा है यही बोलते जा रहे हैं हम कि यार थोड़ा सा है, क्या करें इसका, या हम उसको इस्तेमाल करें। एंड आई थिंक यू कैन गिव कपल ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम आवर रियल लाइफ। एग्जैक्टली, और यही बात हमें लूका में भी मिलती है, एज यू जस्ट टोल्ड इन मैथ्यू, इट विल बी फाउंड इन ल्यूक चैप्टर 19 एंड वर्स 17। और लिखा है दैट यू हैव बीन फेथफुल इन वेरी लिटिल, एंड दिस इन इंग्लिश द वर्ड यूज्ड इज वेरी लिटिल, बहुत थोड़े में तुम ईमानदार रहे हो। एंड हमने जैसे व्हेन वी स्टार्टेड आर मिनिस्ट्री इन बेंगलुरु हमारे पास बहुत कुछ नहीं था। हमें याद है अपना पहला दिन मिनिस्ट्री का, जब हमने पहली संडे सर्विस करी, वी जस्ट हैड 1 गिटार
And that's we about just it. Had two mics. Two mics. And yes. two mic stands and one speaker. And not an expensive one. Aisa nahi ki matlab bahut high end wala kuch mic the ya speaker the. Nothing. Aur humne kabhi socha bhi nahi tha ki Parmeshwar hame un us chote se church se jahan se hum log start kar rahe the, ye beginning start kar rahe the jahan par humne kabhi aisa nahi socha tha ki nahi hame television station jana hai. Par jo kuch bhi Parmeshwar ne hame hamare haath mein diya tha, hum log ne usko istemal kiya. Exactly. And yes, and Khudabab was cheez ko badhata chala gaya. You were saying yes. Something. Yes, so I mean, I'm just remembering that first day of our ministry. Hamare paas bahut kuch nahi tha. Hamare paas bahut log nahi the. Sabse pehli baat, humne shayad sirf 30 chairs lagayi thi. Aur bahut khubsurat hall nahi tha. Ek guitar tha, do mic the, jaise maine bataya. And sirf hum aur Pastor Peter the, that we were leading the people into the praise and worship, and then we were leading the whole service. But ye principle. हम लोग ने याद रखा कि जो कुछ हमें खुदा ने दिया है एक गिटार हमें गिफ्ट करा गया था एंड वी यूज्ड इट. हमारे पास एक छोटा सा मिक्सर था, हमने वही यूज कर लिया और दो लोग थे हमारे साथ जो लगे हुए थे. छोटा सा मिक्सर. अच्छा मिक्सर. हाँ मिक्सर था. यस यस आई रिमेम्बर. यू नो जस्ट अ स्मॉल मिक्सर. और हमने तब नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक आएंगे. बट आई थैंक द लॉर्ड कि जब हमारे पास बहुत कम था हम उसमें विश्वास योग रहे. अगर हम ये सोचते हैं हमारे पास गिटार है बस, हमारे पास कीबोर्ड नहीं है, हमारे पास और लोग नहीं वर्शिप टीम में, हम चर्च कैसे स्टार्ट करेंगे. बट आई थैंक गॉड कि ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर हावी नहीं हुई. बट हमने उसी एक गिटार से, उन्हीं दो माइक से और उन्हीं कुछ लोगों में चर्च स्टार्ट करा और आज खुदा हमें यहाँ ले आया है. एंड नॉट ओनली इन द चर्च तो चर्च एक फ्रंट है जहाँ पर परमेश्वर ने हमें बरकत दी. बट आई कैन टेल यू नो देयर वर टाइम्स एट आवर होम कि घर पे भी हमारे पास बहुत नहीं था. अगर आप कहें इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स, ऐसा नहीं कि बहुत ढेर सारे कपड़े थे. इन टर्म्स ऑफ यू नो अ बिग हाउस, ऐसा नहीं, बहुत बड़ा घर था. पर यस वट एवर वी हैड वी यूज्ड इट फॉर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड. हमारे पास ढेरों हमारे बच्चे आया करते थे चर्च के बाद. एंड यू नो बिकॉज वी हैड वेरी लिटल एंड ऑफन बहुत से ऐसे लोग थे जो आके हमें काउंसिल करते थे, कहते क्या कर रहे हैं आप, ये तो यू नो दिस इज़ नॉट अ वाइज थिंग. आप चर्च के बाद सबको अपने घर ले आते हैं, सबको खाना खिलाते हैं और बहुत से लोग खाना खाते हैं और चले जाते हैं. और लोगों ने हमसे बोला कि ये मत करिए, यू विल लूज एवरीथिंग. बट नो दिस इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. प्रिंसिपल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इज बींग फेथफुल इन वेरी लिटिल. वेरी लिटिल. और परमेश्वर आपको ये सब दे क्यों रहा था, ये पैसा जो परमेश्वर ने हमको दिया या यू नो हमारे पास जो भी फैसिलिटी थी, माइट भी उस समय हमारे पास घर था. तो हमारे पास जब लोग आते थे रहने के लिए तो हम कभी उनसे ये नहीं कहते थे चले जाओ, या कभी किसी ने हमसे हमारी बाइक मांगी. बहुत बहुत अच्छी बाइक नहीं थी, पर जो थी उसे हम इस्तेमाल कर रहे थे, खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे. वी विल यूज दैट बाइक ओनली. उसी बाइक से हर जगह जा रहे थे. कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया, लाइक व्हेन पीपल वर टेलिंग अस आप खाने के लिए ना बुलाइए, तो हम लोग को उनको बोलना पड़ता दिस इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. आज भी हमारे घर में वैसे ही लोग खाते हैं, आज भी हमारे घर में लोग वैसे ही रहते हैं, आज भी हमारे चर्च में हम लोगों की उसी तरीके से खिदमत करते हैं जैसे अपने फर्स्ट ईयर ऑफ मिनिस्ट्री में कर रहे थे. एंड आई थिंक दिस सिंपल प्रिंसिपल बी फेथफुल जस्ट रन्स थ्रू एवरीथिंग दैट वी डू. जस्ट बी फेथफुल, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपके कपड़े हो, चाहे वो आपके चाहे वो आपकी जॉब हो. आपको जो कुछ भी खुदा ने दिया है उसमें आपको फेथफुल रहना है. एंड इन द बिगनिंग ही विल नॉट गिव यू मच. पहले तो आपको थोड़ा ही देता है, फिर वो ये देखता है कि जो आपको थोड़ा दिया है कि आप उसमें विश्वास योग्य हैं या आप विश्वास योग्य नहीं है. माइट भी आपको मिनिस्ट्री दे परमेश्वर, तो जरूरी नहीं है कि आपको एकदम से प्रचारक बनाए परमेश्वर और उसके बाद 2000 लोग आपके सामने खड़े हो. इट्स नॉट लाइक दैट. माइट बी गॉड मे जस्ट गिव यू वन पर्सन टू काउंसिल. हो सकता है एक ही आदमी हो. लाइक वी हैड 6 पीपल इन द चर्च एंड दैट टू आउट ऑफ द 6 4 were kids. और हमें संडे स्कूल प्रीचर्स बोला जाता था, यू नो, इसी शहर में हमें. And we liked it. And you know, we were just cool about it. हमें कुछ ऐसा नहीं लगता था कि क्या यार इतनी मिनिस्ट्री हम करना चाह रहे हैं. सिर्फ 6 लोग हैं जिसमें से 4 सिर्फ बच्चे. But be faithful in very little. And then yes. God is going to use you in a mighty way. एक principle, ये सब principles हैं, and you will find these principles running throughout the Bible. And from the Genesis and it goes up till Revelation. और यीशु मसीह उन्हीं principles को जिनको अब्राहम ने और बाकी परमेश्वर के और बड़े सेवकों ने इस्तेमाल किया था, वही principle यीशु मसीह आज parable के रूप में
हम लोग के सामने मती और लूका में रख रहा था। एक जगह मैं आपको जरूर से लेके जाना चाहूंगा, इफ यू कैन ओपन योर बाइबल्स एंड गो टू बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 14 एंड इफ यू पे अटेंशन टू वर्स 14 एंड देन पे अटेंशन टू वर्स 16, देयर इज अ वेरी पावरफुल एग्जाम्पल। वहां पर एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, उत्पत्ति उसके 14वें अध्याय में, उसकी 14वीं आयत में और 16वीं आयत में अब्राहम का जिक्र किया गया है, जहां पर कुछ राजा हैं जो मिलके आते हैं और अब्राहम के भाई के बेटे को जो लूत है उसकी प्रॉपर्टी को लेके चले जाते हैं, लोगों को लेके चले जाते हैं एंड नथिंग वॉज लेफ्ट। एक आदमी बच के आता है और वो आके अब्राहम को बोलता है कि लूत को ले गए हैं और बहुत सी चीज़ें उठा के ले गए हैं, नाउ व्हाट टू डू। मुझे बहुत खूबसूरत बात लिखी है, लिखा हुआ है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जहाँ पर कई एक राजा मिलके आके अब्राहम की फैमिली को अटैक करते हैं और उसकी फैमिली से उसके उसके भतीजे को लूत को ले जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ को ले जाते हैं, तो इट वॉज अ वेरी पैनिकी स्टेट। यू नो, इमेजिन करिए कि कोई आए और आपके भाई के घर से सब कुछ उठा के ले जाए और कुछ भी वहां ना बचे, व्हाट वुड यू डू। एंड स्पेशली अगर वो राजा कर रहा हो, आई मीन इफ समबडी इन अथॉरिटी इज डूइंग दिस, व्हाट वुड यू डू, हॉरिफाइड, बहुत डर जाएंगे। नाउ अब्राहम हैड द सेम अपॉर्चुनिटी, हो सकता है वो बहुत हॉरिफाइड फील करता उस समय, बट वॉज ही रियली हॉरिफाइड, नो। अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर तुम्हें वो सारी चीजें वापस लेनी है, इफ यू रियली वॉन्ट टू टेक एवरीथिंग बैक व्हाट द एनिमी हैज टेकन अवे फ्रॉम यू, यू हैव टू सी समथिंग व्हाट इज अवेलेबल विथ यू सो दैट यू कैन यूज दैट एंड गेट बैक एवरीथिंग फ्रॉम द एनिमी। अब आपको ये सोचने की जरूरत है, भाई एनिमी तो लेके चला गया, या तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कुछ ना करें उस बारे में। अब्राहम के पास तो बहुत नहीं था। अब आप ये कर सकते हैं कि भाई ये देखते रहें कि किस तरीके से जाएं, अब हम किस तरीके से उनको फाइट करें। अब आप सोच रहे हैं कि जाके वहां लड़ना है, पर आपके पास है नहीं कुछ, क्योंकि है नहीं कुछ का मतलब ये नहीं वाकई में कुछ नहीं है, है नहीं कुछ का मतलब है कि यू डोंट वॉन्ट टू सी के साथ में क्या है। अब अब्राहम की आंख खुदा ने खोली एंड बाइबल सेज दैट अब्राहम टुक the servants that were born in his own house and was trained by him. तो अब्राहम ने जो लोग उसके घर में ही पैदा हुए थे, जो बच्चे उसके घर में पैदा हुए थे, उन बच्चों को लिया और उन बच्चों को लेके उन राजाओं के पीछे गया और सब कुछ वो जो दुश्मन लेके चला गया था वापस लेके आ गया। एंड यू नो दैट पर्टिकुलर रेवलेशन वॉज सो पावरफुल। जब मैंने वो रेवलेशन, जब मैंने वो वर्ड पढ़ा, तो एक प्रकाशन के रूप में वो मेरे लाइफ के अंदर काम करने लगा। एंड आई रिमेंबर वन ऑफ द टाइम कि हमारे चर्च में बहुत ढेर सारा काम होना था एंड आई वॉज थिंकिंग कि ये काम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आई डोंट हैव यू नो बिग पीपल, आई डोंट हैव बिग कॉन्टैक्ट एंड आई डोंट हैव यंग मैन इन द चर्च एंड इनफ मनी दैट वी कैन डू इट। बट देन गॉड ओपन्ड अप माई आईज टूवर्ड्स दिस स्क्रिप्चर। अब्राहम के पास भी बहुत वर्सेटाइल लोग नहीं थे, ऐसा नहीं था कि देवर समवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दे डिड नॉट कैरी दैट काइंड ऑफ एन स्किल, देवर ऑर्डिनरी मैन बट देवर ट्राइंग टू डेवलप एन आर्ट। साधारण लोग थे पर काम करते करते काम को करने के तरीके को सीख, काम के करने को तरीके करने के तरीकों के सीख रहे थे एंड एट द सेम टाइम देवर ऑल्सो लर्निंग कि किस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और But all what was there with them was God. उनके पास अगर कुछ सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है जो महत्वपूर्ण था वो खुदा था। So they started training their own children. They started training their own men. उनने अपने ही बच्चों को, अपने लोगों को ट्रेन किया और वही लोग गए और दुश्मनों से सब कुछ वापस लेके चले आए। And I think ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है अपने में। Surely, as you are just teaching this thing, मुझे याद आता है जैसे इसमें लिखा है कि जो उसके घर में पैदा हुए थे उन्हीं लोगों को उसने ट्रेन किया था एज वॉरियर्स और फिर उन्हीं को वो लेके गया और लूट को वापस ले आया और सारी चीज़ें जो वो लूट के लेके आया था राजा उसको वापस ले आया। एंड दिस थिंग रियली स्ट्राइक्स मी क्योंकि आई रिमेंबर अ पर्टिकुलर टाइम जब हमारे चर्च में हमारी वर्शिप टीम वॉज नॉट इन अ वेरी गुड शेप, यू नो मीन आई एंड पास्टर पीटर वॉज श्योरली देयर टू लीड द वर्शिप, बट यू नो एज अ टीम जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास वेल इक्विप्ड म्यूजिशियंस हों तो वो हमारे पास नहीं थे। बट यू नो एट दैट टाइम
मैं खुदा का धन्यवाद करती कि उसने हम लोग की आंखें खोली, जैसे अब्राहम की आंखें उसने खोली, और हमने अपने उन बच्चों को देखा जो हमारे चर्च में बढ़ रहे हैं. जैसा कि मेरा खुद का बेटा, हमारा बेटा मार्क, बहुत छोटा था, 3 साल से आई थिंक सो ही हैज बीन प्लेइंग ड्रम्स. और बहुत, जब वो बहुत छोटा ही था, हमने उसके हाथ में ड्रम स्टिक्स थमा दी थी. हमारे पास कभी कभी ड्रमर नहीं होता था, कभी कभी गिटारिस्ट नहीं होता, कभी कभी कीबोर्ड प्लेयर नहीं होता था. कोई आता था, कोई जाता था, या माइट में कोई नहीं, बस कोई नहीं आ पाया उस संडे. बट देन वी स्टार्टेड ट्रेनिंग आवर ओन चिल्ड्रन. आई रिमेंबर दैट नॉट ओनली वी ट्रेन मार्क, बट स्टीफन, वन ऑफ आर यंग यू नो यूथ मेंबर्स, वो बच्चा अपना इलेक्ट्रिक गिटार लेके आया था चर्च में. उसको बहुत अच्छे से बजाना नहीं आता था, बट वॉट वी डिड वॉज दिस, कि ये सोचने से यू नो ये सोचें कि उसको बजाना नहीं आता है, कॉर्ड्स नहीं आते हैं, एंड वी नीड परफेक्ट पीपल इन द वर्शिप टीम. नो, वी गेव इट अ डिफरेंट थॉट. हमने दूसरी तरीके से सोचा, और हमने उसी छोटे बच्चे मार्क को, उसी जवान स्टीफन को, और अपने बच्चों को जिनका कोई भी म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं है, बट वी सॉ दैट यस, गॉड हैज गिवन अस दीस प्रेशियस लाइव्स एंड वी विल ट्रेन देम, एंड देन वी टुक देम एंड स्टार्टेड ट्रेनिंग देम. एंड बाय गॉड्स ग्रेस, आज मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि वही बच्चे आज हमारे चर्च में बजा रहे हैं एज वर्शिप टीम मेंबर्स, और बच्चों की एक बहुत अच्छी वर्शिप टीम तैयार हो रही है. और सिर्फ इतना ही नहीं, बट वो आज बच्चे सिर्फ चर्च में नहीं बजा रहे हैं, पर आप सब उनको बजाते हुए प्रभु की सामर्थ प्रोग्राम में देख सकते हैं. बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, कन्वेंशन होती हैं, उसमें ये बच्चे बजा रहे हैं. यू नो व्हाई इट हैपेंड, एंड इट नेवर स्टार्टेड सम, इट वाज नॉट समथिंग वेरी बिग, नॉट एट ऑल. एंड जब हमने ये चालू करा था ट्रेनिंग प्रोसेस, तो कभी कभी बहुत टीडियस होता था, कभी कभी डिस्करेजमेंट भी लगता था, बट वी केप्ट ऑन डूइंग इट नोइंग दिस, कि अगर हम थोड़े से थोड़े में विश्वास योग रहेंगे, जो हमारे पास है उसी को इस्तेमाल करेंगे, तो खुदा उसको ब्लेस करता है. आज खुदा ने ब्लेस किया है. एंड आई थिंक यही प्रिंसिपल है जिसकी वजह से आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं. एग्जैक्टली, द रीजन ऑफ दिस प्रोग्राम इज कि आज हम इन प्रिंसिपल्स को आपके साथ शेयर करें. आई डोंट नो हु इज वॉचिंग राइट नाउ, माइट भी हो सकता है आप पास्टर हैं कोई, और आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो और आप बहुत डिस्करेज्ड फील कर रहे हो, यार मेरे पास तो मुझे गाना नहीं आता है. किसने कहा आपको गाना आने की जरूरत है? I am not a very good singer, but you know, my wife is a very good singer. She sings well. तो मैं खाली प्रचार करता हूँ, ये गाना गाती हैं. पर ऐसे भी टाइम रहे कि ये गाना गाने के लिए नहीं रही हैं. उस समय मैंने खाली प्रचार ही किया. कि ये है कि मैंने उस समय जब खाली प्रचार किया, परमेश्वर का आत्मा तब भी बहुत जबरदस्त रीति से रहा और परमेश्वर ने लोगों को छुआ. मेरे ख्याल से जो की प्रिंसिपल है वो ये है कि लोगों को समझने की जरूरत है कि इट इज नॉट अबाउट सिंगिंग, इट इज नॉट अबाउट अ सिंगर, इट इज नॉट अबाउट म्यूजिक, इट इज नॉट अबाउट अ म्यूजिशियन. ये ना तो गीतकार के बारे में है, ना गीत गाने वाले के लिए है, ना ये मौसीकी बजाने वाले के लिए है, ना ये मौसीकी के लिए है. बात सारी ये है कि खुदा ने आपको क्या दिया है. एग्जैक्टली, व्हाट इज दैट दैट गॉड हैज कॉल्ड यू टू डू. भाई आपको अगर प्रचार करने के लिए बुलाया है, तो आप सिर्फ उसमें ही विश्वास योग रहे हैं. And rest, all the things will come. जो है, जो दिया गया है आपके पास. मतलब ये परेशान मत होते रहिए, अरे ठीक है तुम्हारे पास गाने वाले नहीं है, आप गाने वाले की चिंता मत करिए, आप प्रचार करिए. If God has made you a worshipper, I'm just saying, अगर आपको worship lead करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, just lead worship, lead it. वही काम जो आप अपनी मिनिस्ट्री में चाह रहे हैं परमेश्वर करे, परमेश्वर जरूर करेगा. पर यह समझने की जरूरत है, जिस भी काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप फेथफुल रहें. आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. हमारे कलीसिया में एक बच्चा है, यू विल नॉट बी एबल टू सी हिम बिकॉज राइट नाउ वो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा है, इसी समय बैठा हुआ हमारे पीछे, बैठा हुआ कैमरे के पीछे बैठा. उस बच्चे का नाम विनीत है. एंड आई लव दिस केयर ऑफ माइंड. मतलब जब मैं इस बच्चे से मिला, तो इसके अंदर मुझे कोई ऐसा टैलेंट नहीं दिखा जो यूजली चर्चेस में ढूंढा जाता है, ढूंढते हैं. जैसे कि अगर आप बोले इससे गाने के लिए, तो विनीत ने अगर गाना गा दिया, तो बाप रे मैं ढूंढता हूँ कि कोई कंबल मिल जाए, उसके अंदर चला जाऊं. या यू नो, अगर आप बोलते विनीत ड्रम बजा दो, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू सिंग. और अगर आपने उसे बोल दिया कि प्रचार कर दो, तो मेरे ख्याल से जब वो प्रचार कर रहा होगा, उससे ज्यादा पसीना सुनने वाले को निकलेगा कि क्या कह रहा है या कैसे कह रहा है. But this little man, this wonderful young boy, had a wonderful heart, and he was only knowing how to mop the floor. इसे खाली झाड़ू लगाना आता था, dusting करना आता था. And but he realized that what is his call. ये इतनी ईमानदारी के साथ चर्च डस्ट करता था, इतनी ईमानदारी के साथ ड्रम्स साफ कर रहा है, कभी कीबोर्ड साफ कर रहा है,
कभी जाले निकाल रहा है, कभी पानी डाल के बाहर चर्च साफ कर रहा है, बाहर चर्च के जाके साफ कर रहा है. एंड दिस लिटिल मैन वॉज जस्ट यू नो सो वेरी फेथफुल इन वॉट एवर गॉड हैज कॉल्ड. धीरे धीरे करते करते, जैसे हमने पैराबल में पढ़ा था मैथ्यू में 25 में एंड फ्रॉम वर्स 14 टू 30 में, जैसे लिखा हुआ कि परमेश्वर उससे खुश था. एंड देन आई हैव ऑल्सो शेयर्ड, इनफैक्ट रुश्ता शेयर कर रही थी ये वाली वर्ड्स, लूक चैप्टर 19 एंड 17, धन्य है हे विश्वास योग, तू थोड़े में वफादार रहा, मैं तुझे बहुत ही बहुत ही बहुत ही चीज़ों का स्वामी बनाऊंगा. तो ये बच्चा थोड़ी चीजों में फेथफुल था, सफाई करने में, झाड़ू पोछा लगाने में, जो आता था. पर टुडे नाउ स्टोरी हैज चेंज्ड. कम ऑन, ये बच्चा बहुत ऐसे घर से नहीं था जहां पर इसने बहुत एजुकेशन हासिल करी, बट टुडे ही इज द एडिटर फॉर अस. वो एडिटिंग करता है ये बच्चा, इस समय कैमरे के पीछे बैठा हुआ है. आ विनीत, वी आर सो ग्लैड that you are there, and you know, he is editing the programs, he is shooting the programs. Not only that, now he has started playing the keyboard also. Now he has started playing the keyboard. Keyboard bhi bajane laga. And I think this has happened over 4 years now. But 4 saal ke andar ye bachcha bilkul alag ho gaya. And in days to come, we are going to send him to International School of Worship for his further training. So now, if we have to conclude, because now we have approximately very little time left, I think Rushta, if we can understand this very simple principle, ki jo kuch aapko khuda ne diya hai aap uske sath agar imandar rahenge. Can I just share something very quickly? Yes. At the last I just want to say ki mere paas ek guitar tha, mera nahi tha, mere bhai ka tha, aur wo toota hua tha, and I knew ki mujhe khuda baap ne bulaya that I can worship him you know with the instrument and lead people into worship. तो एक दिन मैंने उस गिटार को लिया, उस टूटे हुए गिटार को, उस पर दुआ करी, मैंने कहा पवित्र आत्मा तू मुझे सिखा. मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, बट आई थैंक गॉड कि उस दिन जब मैंने उस चीज़ को, वो गिटार जो गंदा सा टूटा हुआ मेरे घर में किसी कोने में रखा था, उसको निकाला और दुआ के साथ बजाना चालू करा, आई थैंक गॉड कि आज मैं सिर्फ ऐसे घर में नहीं बजाती हूँ, बट टुडे आई लीड थाउजेंड्स इनटू वर्शिप विद दैट गिटार. सो यू नो आई जस्ट वांट टू टेल यू टू सम इट ऑल कि जो तुम्हारे पास है उसको इस्तेमाल करो. अगर मैं उस टूटे गिटार को छोड़ देती हूँ, सोचती नहीं किसी दिन मेरे लिए कोई बहुत खूबसूरत गिटार लाएगा और तब मैं आई विल प्रैक्टिस एंड आई विल बिकम दिस, आई डोंट थिंक सो, आई वुड हैव डन इट. बट यू नो जस्ट यूज व्हाट यू हैव. सो रुशिता, वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, बट वी वांट टू प्रे फॉर देम, एंड आई थिंक दैट दिस इज द अनॉइंटिंग दैट गॉड हैज केप्ट अपॉन आवर लाइफ. परमेश्वर ने ये अभिषेक मेरे और रुशिता के जीवन के ऊपर रखा है कि थोड़ी सी थोड़ी चीज जो खुदा हमको देता है, जब हम उसको अपने हाथ में लेके उसे इस्तेमाल करते हैं, खुदा बाप उसको बढ़ाता है. एंड आई हैव सीन दैट गॉड हैज बीन फेथफुल विद अस. एंड आई वांट यू टू प्रे स्पेशली फॉर दोस लेडीज, वेरी क्विकली विद इन 15 सेकेंड्स यू गोना प्रे फॉर देम, दैट यू प्रे फॉर द लेडीज. हो सकता है लेडीज इस प्रोग्राम को देख रही हो, वो बोल रही हो मैं अपने घर को कैसे अच्छा बनाऊँ, या यू नो मैं किस तरीके से अपने हस्बैंड को प्लीज कर सकती हूँ. छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पर यू कैन प्रे फॉर दोस लेडीज हु आर द बिल्डर्स इन द हाउस. Like we both were working, तुम्हें घर की बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो तुम्हारे पास नहीं थी, खाना नहीं था, या you know might be कोई आपके घर में आने वाला, बर्तन नहीं थे, या डाइनिंग टेबल नहीं था, और क्या टेबल शीट नहीं है अच्छी वाली, या बेड शीट नहीं है. बट यू नो यू यूज वट एवर यू हैड, एंड यू नो इट जस्ट ब्रॉट द फेवर ऑफ गॉड. एंड आई वांट यू टू जस्ट प्रे फॉर द लेडीज एंड द चिल्ड्रन, एंड देन आई एम गोना प्रे फॉर द मेन. वुड यू डू इट? लेट्स प्रे. परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे इस कलाम को सुन सकते थे. और इस समय प्रार्थना करती हूँ हर उस बहन के लिए जो इस समय हमें देख रही है. Yes, Lord. और खुदा हम दुआ कर रहे हैं यीशु के नाम में, that Lord you give them the anointing of an overcomer, Father. Yes, Lord. दुआ करें खुदा बाप कि जिस तरीके से तूने मेरी मदद करी कि मैं पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा वो चीज़ें कर पाऊँ, उन्हीं चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ें जो तूने मुझे दी थी, मदद कर मेरी इन बहनों की खुदा बाप, कि अपने उस घर का जो छोटा सा है, जॉब जो छोटी सी है, मिनिस्ट्री जो छोटी सी है, उसको खुदा बाप हिकारत की नजरों से ना देखें, पर उसको बहुमूल्य जान के उसमें वफादार होएं. हर बच्चे को खुदा बाप तेरे हाथ में इसमें देख रहा है. हेल्प द चिल्ड्रन टू शाइन इन द टैलेंट्स दैट यू हैव गिवन टू देम इन जीसस नेम. आमेन. नाउ लॉर्ड आई प्रे फॉर ऑल द मेन हु आर वाचिंग. प्रभु, मैं इस समय उन सारे पुरुषों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और कई बार अपने बिजनेस में सिर्फ इसीलिए आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है मेरे पास तो कुछ नहीं है. पर आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उनकी आंखें खोलिए कि वो देख सकें जो आपने ऑलरेडी उनके बिजनेस में रखा है. और मैं प्रार्थना करता हूँ ये छोटा सा
छोटी सी शुरुआत जो ये आप करेंगे, उस छोटी सी शुरुआत में आप इनको बहुत बरकत देंगे। एंड आई ट्रस्ट एंड आई बिलीव प्रभु यीशु मसीह कि इनका ये छोटा सा बिजनेस या इनकी छोटी सी कलीसिया, इनका ये छोटा सा एफर्ट जो जिसमें ये विश्वास योग आज से रहेंगे, वो बहुत बढ़ने वाला हो सके। आपका वचन बताता है, धन्य है तू विश्वास योग दास, तू थोड़े में वफादार रहा, मैं तुझे बहुत का अधिकारी बनाऊंगा। प्रार्थना करता हूँ ये बहुतों के अधिकारी होने वाले हैं, बहुत सी संपत्ति के। लॉर्ड आई स्पीक योर शलोम। यस प्रभु, प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपका शलोम, जिसका अर्थ है शारीरिक सेहत प्रभु, आत्मिक उन्नति, तेरी शांति, प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में प्रवेश करे, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमेन। वेल, we are so glad that you gave us this time ki me and Rushta we can talk to you. Hum shukr karte hain khuda ka aapke jeevan ke liye, aapke liye prarthna kar rahe hain. Prabhu ki samarth program isi tarike se har Friday ko 8:30 baje dekhte rahiye. Ek bar zarur se hame call kiya kariye, bataya kariye ki aaj humne aapko program pe dekha tha, hame blessing mili, and you can encourage us that way. Hame bahut encouragement lagta hai जब हम जाते हैं जगह जगह पे और लोग हमसे मिलते हैं, बोलते हैं पास्टर पीटर वी हर्ड यू प्रीचिंग एंड यू नो वी हैव बीन सीइंग योर प्रोग्राम रेगुलरली तो हमको बहुत अच्छा लगता है सुन के कि जो मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए वो सफल है। अगर आप ये प्रोग्राम कहीं पर भी देख रहे हैं और आप चाहते हैं हमारे साथ इबादत करना, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि हमारी इबादत थ्रू आउट द वीक होती है। हर ट्यूसडे को हमारी बाइबल स्टडी होती है जो रात में 8 से 9 बजे तक होती है। थर्सडे को हमारे यहाँ फास्टिंग प्रेयर होती है जो शाम को 7 बजे से 8 बजे तक होती है। हर फ्राइडे को लेडीज प्रेयर मीटिंग होती है जो सुबह 11 से 12 बजे होती है। हर सैटरडे को किड्स फॉर क्राइस्ट होता है जिसको हम KFC के नाम से बोलते हैं, जहाँ पर बच्चे बहुत सी गंभीर बातों को परमेश्वर की सीखते हैं, और पूरा बच्चों का चर्च होता है जो शाम को 4 बजे से 5 बजे सैटरडे को होता है। फिर फाइनली हमारी संडे को 10 बजे इबादत होती है जिसमें बहुत से लोग आके परमेश्वर की इबादत करते हैं, और परमेश्वर इस चर्च के अंदर जो फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर है इसमें हम परमेश्वर के चेहरे को देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं और बहुत आशीष बरकत पाते हैं। अगर आप इन इबादतों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हो सकते हैं, हमारे एड्रेसेस स्क्रीन पे हैं, जरूर से इन एड्रेस को ले लीजिए। फोन नंबर्स, ईमेल्स जो समय स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आप इनको ले सकते हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन सो दैट यू कैन कम टू द चर्च। अगर आप किसी को चर्च रेफर करना मांगते हैं कि प्लीज इस चर्च जाइए, इस चर्च से हमें बहुत बरकत मिली है, तो आप उनको हमारा नंबर के बताइए कि हमारा एक रिलेटिव है, हम चाहते हैं कि हमारे ये रिलेटिव चर्च आए आपके और आपके साथ सहभागी हो, तो हम जरूर से उन्हें कॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, सो दैट वी कैन जस्ट गो ऑन कीप वॉचिंग पावर ऑफ गॉड प्रोग्राम। इसी तरीके से आप हमारे साथ खड़े रहिए ताकि हम आपको और नए नए प्रोग्राम्स ला के दिखाते रहे और आपको टीचिंग्स परमेश्वर के कलाम से देते रहे जिससे आप अपने घर को बना सकें, परमेश्वर के राज्य में आप बरकत का कारण हो सकें और आपका जीवन खुशी से भरा रहे। मेरी प्रार्थना यह है कि प्रभु की सामर्थ आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी पर्सनल लाइफ में काम करती रहे। जय मसीह की।